नमस्कार आप सभी को। मैं मिथुन विश्वास, एमवी एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन की अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन थ्योरीज हैं मेजर जिनके बारे में हमें बात करना है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, लुकिंग क्लास सेल्फ थ्योरी एंड आई एंड मी थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी से। इस डायग्राम को हम ध्यान से देख लें क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के चार सिस्टम्स को। वैसे पांच है, पांचवा सिस्टम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं है। तो एक इंडिविजुअल है, उसके चारों ओर ये सिस्टम्स काम करते हैं जो उसके सोशलाइजेशन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर द्वारा दी गई थी। ये फ्रेमवर्क बताता है कैसे कोई कम्युनिटी जो है या कोई इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी के अलग अलग जो पार्ट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इसका प्रभाव उस इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन पर कैसे पड़ता है। इस थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है ये डिस्कस करता है चेंजेस दैट हैपनिंग बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज एनवायरमेंट। कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो कि एक एनवायरमेंट और चाइल्ड के बीच के इंट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड हाउ दिस चेंजेस इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ को, सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं जब तक कि वो एक फुल फ्लेश्ड ह्यूमन बींग बन जाता है। इट आइडेंटिफाइज फाइव एनवायरमेंटल सिस्टम। इसमें पांच सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके साथ उस इंडिविजुअल का इंट्रैक्शन होता है। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम जो मोस्ट इमीडिएट डायरेक्टली इम्पैक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ऐसे मोस्ट इमीडिएट ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशन जो बच्चे के डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। उसमें फैमिली है, स्कूल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, नेबरहुड है और पीयर ग्रुप है। तो ये हमारे सबसे नियरेस्ट जो सर्कल है जो आप इस डायग्राम में भी देख रहे थे, माइक्रो सिस्टम में स्कूल आता है, फैमिली आता है, फैमिली सबसे पहले आएगा, फिर स्कूल, नेबरहुड और पीयर ग्रुप। अब इनका प्रभाव कैसे पड़ता है? तो इनका प्रभाव डायरेक्ट होता है, यस निश्चित प्रभाव इसका होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, सोशलाइजेशन पे। फिर आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम जो सेकेंड सर्कल है, यस, और मीजो सिस्टम एक्चुअली इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो माइक्रो सिस्टम के बारे में हमने बात की इन्हीं की, जैसे कि टीचर्स का मतलब स्कूल का पेरेंट के साथ इंट्रैक्शन, पेरेंट्स का बच्चों के पीयर ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप बोल सकते हैं उनके साथ इंट्रैक्शन। तो ये इंट्रैक्शन भी सोशलाइजेशन की प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जैसा एक एग्जांपल हम ले लें कि कोई पेरेंट है और वो स्कूल के साथ काफ़ी एक्टिवली इंट्रैक्शन में है या उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन या कनेक्शन काफ़ी अच्छा है तो उसका प्रभाव बच्चे के सोशलाइजेशन या डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर कम कम्युनिकेशन होगा, बच्चा क्या कर रहा है इसके बारे में पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स घर पे बच्चा क्या कर रहा है इसके बारे में स्कूल को नहीं पता, तो अल्टीमेटली इसका प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ना है। तो मीजो सिस्टम मीन्स द इंट्रैक्शन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम्स एंड इट इज़ ऑल्सो समवेयर इन्फ्लुएंसिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल और द चाइल्ड। इसके बाद तीसरा है एक्सो सिस्टम जो बाहरी सिस्टम है। जो हमारे इमीडिएट सिस्टम है माइक्रो सिस्टम वो कनेक्टेड होते हैं एक्सो सिस्टम से। तो बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, उस एक्सो सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उस एक्सो सिस्टम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका प्रभाव इनडायरेक्टली बच्चे पर होता है। जैसा कि हम देखें कि चाइल्ड का एक्सपीरियंस पेरेंट के एक्सपीरियंस से प्रभावित होगा। अब चाइल्ड का एक्सपीरियंस, चाइल्ड तो अपने घर पर है लेकिन पेरेंट तो जा रहे हैं बाहर, वो वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ का अगर कोई अनबन हुई है या उनकी कोई अच्छी बात है तो उसका प्रभाव फैमिली पर होगा या फैमिली एनवायरनमेंट पे होगा और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के एक्सपीरियंस पे, बच्चे के सोशलाइजेशन पे, डेवलपमेंट पे देखा जा सकता है। तो एक्सो सिस्टम इस तरीके से रोल प्ले करती है। अब हम बात करें मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, मैक्रो मतलब बड़ा या बृहद जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैक्रो सिस्टम इज द कल्चरल सेटअप कॉन्टेक्स्ट।
तो अगर कोई बच्चा कश्मीर में रह रहा है और मान लीजिए उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई कहीं और, तो ये जो मैक्रो सिस्टम है उसमें चेंज आता है और इसका प्रभाव बच्चे के सोशलाइजेशन पे पड़ता है। हम देखते हैं जिनका ट्रांसफर होता है या फिर हम देखते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट भी बच्चे के सोशलाइजेशन पर पड़ेगा। यस, और ये जो मैक्रो सिस्टम है इसमें अक्रॉस टाइम लाइफ टाइम में बड़ा चेंज आता है या ऐसे बड़े चेंजेस आने में इसमें समय लगता है। फिर क्रोनो सिस्टम, जो लास्ट फिफ्थ सिस्टम की हम बात कर रहे थे, कंसिस्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ ओवर द लाइफ कोर्स एज वेल एज द चेंजिंग सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। दो फैक्टर्स की बात हो रही है, जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या लाइफ के एनवायरमेंट या सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात हो रही है, और दूसरी सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस जो बदल रहे हैं आसपास, उन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा कि रिसर्चर्स ने यह पाया कि कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो इनिशियल कुछ ईयर्स में उसका प्रभाव बच्चे पर देखने को ज़्यादा मिलेगा, ग्रेजुअली वो प्रभाव खत्म हो जाएगा और फैमिली सेटल हो जाएगी। अब उसमें किसी तरह का जो चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल जो स्ट्रेस पैदा हुआ है उसका एक तरह से सेटलमेंट हो जाएगा और प्रभाव कम दिखेगा बच्चे के ग्रोथ या डेवलपमेंट पर, पर इनिशियल लेवल पे दिखेगा। दूसरी ओर हम बात करें कि ऐसा चेंज क्यों आने लगा है, पहले अगर ऐसा होता तो शायद इसका प्रभाव ज़्यादा होता, लेकिन आज की कंडीशन में जो फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आया है जो सोशियो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं सर्कमस्टेंसेस में। वो कैसे, आज वुमेन ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, तो इवन डाइवोर्स के बाद भी वो एक वेल सेटल्ड फैमिली को रन कर सकती है, उसको लीड कर सकती है। तो इस तरीके से सोशियो हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टेंसेस बदले हैं और इंडिविजुअल के लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो भी एक दूसरे को उसके इंट्रैक्शन में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम ज़्यादा कर रहे हैं और उसका प्रभाव सोशलाइजेशन पे हो रहा है। दैट वॉज द फिफ्थ वन, क्रोनो सिस्टम। अब हम आते हैं सेकेंड थ्योरी पर, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इस इमेज में हम देखें तो एक व्यक्ति चार अलग अलग मिरर में या हम जितने लोगों से मिलते हैं हमारा एक इमेजिनेशन रहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कैसा सोचता है, तो हम खुद के बारे में भी कुछ सोचते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा व्यक्ति भी हमारे बारे में कुछ सोचता होगा, ठीक, ये सेकेंड परसेप्शन हो गया। और थर्ड परसेप्शन, हम भी ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पर ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी तीसरे वाले परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, ये हमारा परसेप्शन है, ठीक है, तो हम उसके सामने वैसा ही रिप्रेजेंट होते हैं या वैसे ही देखे जाते हैं, ठीक। तो यही चीज इस थ्योरी में बताई गई है जिसको हम बोल रहे हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये जो है चार्ल्स हॉटन कुली ने 1902 में दिया था, जो कि इनकी बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, इसमें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। यस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज आर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी थिंक वी अपीयर टू अदर्स। हम वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोच रहे होंगे। दिस इज वॉट द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट। इसमें तीन स्टेप में होता है, पहला तो हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे कैसा सोचते हैं, दूसरा हम इमेजिन करते हैं कि हम ये जज करने लगते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या जज कर रहा होगा, और तीसरा कि ये जो जजमेंट है वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हम किसी टीचर के सामने कुछ गलत काम करते हुए नज़र में आ गए या चीटिंग करते हुए पकड़े गए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि उन टीचर के सामने हमारी इमेज ऐसी बन गई है। तो ये हमारा इमेजिनेशन है कि दूसरा हमारे बारे में कैसा इमेजिन कर रहा होगा, थर्ड परसेप्शन जो हमने बात की। फिर तीसरा थ्योरी है आई और मी का। यहाँ जो सोशल प्रोसेस है, हमने पहले भी बात की कि सोशलाइजेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो अगर ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो हम सोशलाइज कैसे हो गए, अभी तक तो सोशलाइज नहीं होने चाहिए थे। तो ये बहुत बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है या सोशल साइकोलॉजी में हम देखते हैं, सोशल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि ये परसेप्शन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, ये आइडिया अभी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है कि व्यक्ति फिनिश्ड सोशलाइज्ड का फिनिश्ड प्रोडक्ट है या वो प्रोसेस का हिस्सा है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो इस थ्योरी से दिया गया, आई और मी थ्योरी से। इसमें आई जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ सोशलाइजेशन हो गया है और इतना हो गया है, यस, और मी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को कि नहीं सोशलाइजेशन अभी भी चल रही है। कैसे,
आई हम जैसा दूसरों को के साथ बिहेव कर रहे हैं, दूसरे को जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई, और मी जो हम नया कुछ सीख रहे हैं सोसाइटी से और हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे व्यवहार में, वो मी का हिस्सा हो गया। आई मी नहीं होता और मी आई नहीं होता, मतलब एट अ टाइम हम दोनों चीज नहीं हो सकते। हम आई होते हैं जब हम किसी के सामने बिहेव कर रहे हैं, या हमारा एटीट्यूड जो दिख रहा है, हमारा बिहेवियर जो दिख रहा है, हमारी बोलचाल या सोशल जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे हमारी आइडेंटिटी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो। और मी जो है जो हम इंटरलाइज कर रहे हैं एज ए सेल्फ, हम जो नया सीख रहे हैं, हम खुद को सोशलाइज कर रहे हैं, पहले से हमारी दूसरों से बातचीत का तरीका हम बदलते, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, जो भी है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मी। ओके, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ आई एंड मी इज टॉकिंग अबाउट। ये जो थ्योरी है ये जॉर्ज मीड द्वारा दिया गया है। यस, तो ये तीन थ्योरी हमने पढ़ी है आज, द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में। सबसे पहला था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसके बारे में हमने समझा कि पांच सिस्टम्स हैं जो प्रभावित करती हैं सोशलाइजेशन को। इसमें आ गया माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। फिर हमने बात की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, तो हमने इसमें तीन परसेप्शन की बात की। पहला परसेप्शन, मुझे क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा कि दूसरे को क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, मतलब उनकी वो थॉट है, वो तो मुझे पता नहीं है कि मेरे बारे में दूसरा क्या सोचता है। और तीसरी बात जो है वो है कि मैं क्या सोचता हूँ कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मतलब मुझे भी लगता होगा ना कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, वो थर्ड परसेप्शन, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला परसेप्शन है उसके बारे में बात की जा रही है कि एक व्यक्ति मिरर में देखकर ये सोचता है कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मतलब दूसरा मुझे ऐसा इमेजिन कर रहा होगा। यस, तो अलग अलग जो इस डायग्राम में भी दे रखे हैं कि मम्मी आपके बारे में कुछ सोचती होगी ऐसा आपको लगता है, आपकी गर्लफ्रेंड आपके बारे में कुछ सोचती होगी ऐसा आपको लगता है, आपके ब्रदर्स या पीयर ग्रुप आपके बारे में कुछ सोचता होगा या सोचती होगी ये आपको लगता है, और वही हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कोई हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोच ही सकता है ऐसा हम सोचते हैं। यस, तो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। उसके बाद आई और मी थ्योरी के बारे में बात की कि एट अ टाइम एक पर्सन सोशलाइज्ड भी है और वो सोशलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा भी है, मतलब प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, और मी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस को। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। होपफुली आज की क्लास से, आज के डिस्कशन से आपको तीनों ही थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस पर अपने नोट्स और अपने कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। यस, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। मैं मिथुन विश्वास विदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड बाय, वंदे मातरम।